हेलो एवरीवन आज का सम है X X 10 और यहाँ पर हमें यक्स का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लिख सकते हैं इसे और यक्स क्यूब प्लस यक्स माइनस टेन टेन को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए हैं इक्वल टू जीरो और अब यहाँ पर टेन को टू ऐसे पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है जिसमें कि एक क्यूब हो वन क्यूब देखते हैं वन क्यूब इक्वल टू वन होता है टू क्यूब टू क्यूब इक्वल टू एट होता है एंड थ्री क्यूब इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तब यहाँ पे टू क्यूब यानी एट प्लस टू लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड में हो जाएगा माइनस एट माइनस टू कारण माइनस एट माइनस टू इक्वल टू माइनस टेन होगा इक्वल टू जीरो और एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एट को हम लिख सकते हैं टू क्यूब कारण टू इंटू टू इंटू टू इक्वल टू एट होता है माइनस टू इक्वल टू जीरो और अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं क्यूब वाला जो टर्म है उसको एक साथ कर देते हैं यानी एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और यक्स क्यूब माइनस टू क्यूब यहाँ पर पेयर बनाकर लिख रहे हैं प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो अल्जेब्रा में एक आइडेंटिटीज है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी आइडेंटिटीज का यूज यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस टू क्यू के लिए करेंगे जहाँ ए की जगह यक्स है और बी की जगह है तब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और जीरो और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में टू टर्म है और दोनों में यक्स माइनस टू है इसलिए टू को हम कॉमन ले लेते हैं और जब एक्स माइनस टू को कॉमन ले लिए तब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वायर यानी टू टू जा फोर प्लस एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन ले लिए बच गया है वन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव इक्वल टू जीरो आइदर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरोन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो टू टू एक्स का एक वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल चुका है अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं वेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू

माइनस बी यानी माइनस टू प्लस माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर यानी टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव बाय टू इंटू वन इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर यानी टू टू जा फोर माइनस फोर फाइव जा ट्वेंटी बाय टू वन जा टू इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट इक्वल टू माइनस बाय टू माइनस टू प्लस रूटस विक्स पर माइनस वन इंटू सिक्स टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन अंडर रूट सिक्सटीन इक्वल टू होता है अंडर रूट फोर इंटू फोर यानी अंडर रूट स्क्वेयर यहाँ तक ये स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो गया बच गया फोर यानी फोर एंड अंडर रूट माइनस वन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके बदले हम आई लिखते हैं तभी हो गया फोर आई बाय टू इक्वल टू यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए टू कॉमन है टू को कॉमन ले लिए बच गया माइनस वन प्लस माइनस टू आई बाय टू टू एंड टू कैंसिल हो गया और बच गया माइनस वन प्लस माइनस टू आई यानी यक्स का यहाँ पर दो वैल्यूज मुझे मिला है यक्स इक्वल टू तो माइनस वन प्लस टू तो आई यक्स इक्वल टू तो माइनस वन माइनस टू आई और यस का एक वेल्यू पहले मिला था यहाँ देखिए यक्स इक्वल टू टू तो, तो।, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल टू टू इस तरीके से यक्स का यहाँ पर थ्री वेल्यूज मुझे मिला है लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू